हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ मैंस एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में मैन की क्या क्या एक्टिविटीज है उसकी हम बात कर रहे थे। तो देखते हैं जैसे ना फूड चेन की शॉर्टनिंग, द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मैंस एक्टिविटी, जैसे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वहाँ पे हमारा इकोसिस्टम हो रहा है इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस होने का रीज़न ये है कि मैन की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हंटिंग, हम लोग जैसे हंटिंग वगैरह को बढ़ावा दे रहे हैं, हम जानवरों को मारने का काम कर रहे हैं या इनको मार रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है जो फूड चेन है उसकी जो साइज है, जो फूड चेन है वो छोटा छोटा होते ही जा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि डियर ख़त्म हो रहे हैं, कभी टाइगर ख़त्म हो जा रहे हैं, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, और एक्सेसिव ग्रेजिंग करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर लेवल ही हम ख़त्म कर रहे हैं, तो फूड चेन क्या हो रही है शॉर्ट होते ही जा रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो अपर जो इफेक्ट है मैन एक्टिविटीज़ के, अगर बात करते हैं हम इकोसिस्टम में, तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते ही जा रहा है, बहुत चीज़ों को ख़त्म करते जा रहा है। जैसे हम एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्मेशन है ना सहारा डेजर्ट का, जो एक फॉर्मेशन है सहारा डेजर्ट जो बना, वो एक यही इसी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है, एक बैलेंस इकोसिस्टम में मैन ने जो एक्टिविटी करी ना, वहाँ पे जो इंटरफेयर मैन ने नेचर के साथ किया, उसने फॉर्मेशन किया सारा डेजर्ट का, मतलब कि एक अच्छे खासे ग्रासलैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया हमारी एक्टिविटी ने। तो मतलब कि जब रोमन्स ने स्टार्ट किया था, लायंस को कैप्चर करना इन्होंने स्टार्ट किया था, और वहाँ पे जो लगातार उन्होंने लायंस को मारना, रोमन्स जो थे उन्होंने लगातार लायंस को मारना स्टार्ट किया, जिससे कि क्या हुआ, उस जगह पे जो टाइगर थे ना वो ख़त्म हो गए, उस जंगल से टाइगर ख़त्म हो गए, और लायन जो था एक प्रीडेटर था जो कि हर्बीवोर्स एनिमल को मार रहा था। अब देखो ऐसा नहीं कि लायन हमेशा गलत ही है या ख़राब ही है हमारे लिए होना, उसका होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि वो हर्बीवोर्स को मारता है ना, और हर्बीवोर्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे, लायंस ख़त्म हो जाएंगे, हर्बीवोर को खाने वाला नहीं रहेगा, तो प्लांट भी तो ख़त्म हो जाएंगे, वो जो खाते हैं वो भी तो ख़त्म हो जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए भी तो खतरा है, हम भी तो खत्म हो जाएंगे, हमें प्लांट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। तो ये क्या हुआ, एक हर्बीवोर्स को एक किल करता है, जैसे डियर को किल किया, शीप को किया, गोट बफेलो इनको मारता है। नाउ सिंस द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर, यहां पे जो प्रीडेटर थी, पॉपुलेशन की जो प्रीडेटर थी, यानी कि प्रेडेटर्स की जो पॉपुलेशन थी, लेकिन लायंस की जो प्रेडेटर थी वो धीरे धीरे कम हो गई, तो उनको मारने वाला कोई रह नहीं गया हर्बीवोर्स को, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी हर्बीवोर्स की इंक्रीज करते गई रैपिडली, और उन हर्बीवोर्स ने उस एरिया की जितनी घास थी धीरे 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 अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाई, धीरे धीरे उन्होंने वो सारा कुछ खा दिया, जिससे कि एक ग्रीन फॉरेस्ट, एक वास्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया ये माना जाता है। सेम कंडीशन राजस्थान की भी है, राजस्थान डेजर्ट भी ऐसा ही था, पहले नॉर्मल था नॉर्मल ठीक ठाक वो माना जाता था, उसमें अच्छी खासी अमाउंट में घास वगैरह या अच्छा खासा इलाका माना जाता था, लेकिन इसमें भी वही हुआ, प्रेडेटर को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया, और जब प्रेडेटर यानी कि लायन टाइगर वगैरह ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे सिर्फ रह गए ग्रास ईटिंग एनिमल, और ग्रास ईटिंग एनिमल्स ने उस जगह के प्लांट्स को, उस जगह के घास को सब कुछ खा दिया, और वो खाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब कि सहारा डेजर्ट और राजस्थान डेजर्ट जो है वो एग्जाम्पल है मैन की एक्टिविटी का, हमारी एक्टिविटी का, हमने जंगल में प्रेडेटर्स को मारा, हम उनके प्रेडेटर बन गए और मारते रहे, उस वजह से हमें भी लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर हम कंडीशंस की बात करें, इफ ऑल द लायंस आर रिमूव्ड, क्या होगा जब सारे के सारे लायंस रिमूव हो जाएंगे, तो अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो अगर यहाँ पे को सारे के सारे लायंस अगर खत्म हो जाए, मैं इसमें बेटा थ्योरिटिकल पोर्शन ही है, तो मैं सिर्फ ये पॉइंट लिख देती हूँ, इफ ऑल द लायंस आर रिमूव, अगर सभी के सभी लायंस रिमूव हो गए, तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब कि कैसे, कैप्चरिंग से, किलिंग से, तो वहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं रह पाएगा जो कि जो डेयर और बाकी के जो हर्बीवोर्स हैं इनकी ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, है ना। अब हम तो जाएंगे नहीं भाई जंगल में, बार बार थोड़ी ना जाएंगे कि हाँ हमने कंट्रोल करनी है, सभी लोग थोड़ी ना मीट खाते हैं ना, सभी लोग तो नहीं खाते, जो खाते हैं वो जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं मारेंगे, क्योंकि हम रोज़ थोड़ी ना खाते हैं, रोज़ नहीं खाते हैं ना, जबकि लायन तो रोज़ वही खाता है, लायन का तो खाना ही वही है, है ना। तो अब यहाँ पे कोई ये कि अब उसका प्रेडेटर रहेगा ही नहीं, तो उसमें कंट्रोल करने वाला, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है डेयर या बाकी के जो हर्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होते ही जाएगी, क्योंकि डेयर किसको खाता है, डेयर खाता है ग्रास को, ग्रास को खाने वाला ये एनिमल है, इसे खाता रहता है, जिससे कि जो प्रोड्यूसर लेवल है हमारा, ग्रास का जो लेवल है वो भी कम
हो जाएगा, ठीक है, वो भी बहुत कम हो जाएगा एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से. ओवर ग्रेसिंग में भी इवन एलिमिनेट द ग्रास एंड अदर ग्रीन प्लांट्स कंप्लीटली. ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये ग्रास तो खत्म हो ही सकती है, साथ ही साथ बाकी जो प्लांट वो खाते हैं वो भी खत्म हो सकता है. वो खत्म हो गया तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ हम पहुंच जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. और दूसरा, ऐसा नहीं कि इन्हीं की गलती है. अगर क्या होगा इफ ऑल द डियर्स आर रिमूव्ड, इफ ऑल द डियर्स आर रिमूव्ड, दूसरी कंडीशन है कि अगर डियर रिमूव हो गए तो क्या होगा. तो अगर डियर जो है, मतलब कि डियर इज अ फूड फॉर लायन, तो ठीक है ये खाने के लिए है, मतलब जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो लायन का खाना है. तो इफ समहाउ ऑल द डियर पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट इज रिमूव, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई एनवायरमेंट में कि जो डियर है उसकी पॉपुलेशन खत्म हो गई, मतलब कि वो खत्म हो गए धीरे धीरे, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो हर्बीवोर्स को ही खाता है, इन्हीं को खाता है लायन, तो यहाँ पे कोई भी सफिशियंट फूड नहीं रह जाएगा किसके लिए, लायन के लिए खाना ही नहीं. एक बार तो इसके लिए ये एक बार तो इसको खत्म कर दिया, दूसरी बार हमने कहा कि डेयर या अदर हर्बीवोर्स को अगर हम खत्म कर दें तो लायंस के पास खाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, और इस वजह से वो भूखा रहेगा. भूखा रहने की वजह से, भूखमरी से उसकी डेथ हो जाएगी. वो मतलब या पहले तो क्या करेगा, भूखे की वजह से वो क्या करेगा, इधर उधर जाएगा अपने खाने के लिए ढूंढेगा. वो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी किल करेगा, जैसे अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है. वो ऑफकोर्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने खत्म कर दिया, जंगल खत्म कर दिए हमने जंगल खत्म कर दिए, हर्बीवोर्स की डेथ हो रही है. हर्बीवोर्स की डेथ कैसे हो रही है, क्योंकि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है. बेटा हम पेड़ पौधों को खत्म करते ही जा रहे हैं, जंगलों में जाके अपने घर बना रहे हैं, मतलब कि घर बनाने के लिए पेड़ कट कर दे रहे हैं. जब पेड़ काटोगे तो हर्बीवोर्स तो रह नहीं पाएंगे, हर्बीवोर नहीं होगा तो लॉस हम ही को है, ले देखे लॉस हमको, या हर्बीवोर नहीं है तो लायन को खाना नहीं मिल रहा है, टाइगर को नहीं मिल रहा है. इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं, इतने सारे केसेस इसलिए नहीं आ रहे कि टाइगर की पॉपुलेशन लायन की पॉपुलेशन बढ़ गई, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, जो एनिमल जो उस लायन का खाना है वो उसे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अब ह्यूमन पॉपुलेशन की तरफ आ रहा है. घर में जो घर से बच्चों को उठा के लेके जा रहा है, घर से डोमेस्टिक एनिमल्स को उठा के लेके जा रहा है, दिन दहाड़े वो मार दे रहा है. उसका रीजन यही है, ऑल द डियर्स आर रिमूव फ्रॉम द जंगल और द हर्बीवोर्स आर रिमूव फ्रॉम द जंगल. उसे नहीं मिल पा रहा है सफिशियंट अमाउंट में, तो वो मारेगा ही मारेगा, खाने के लिए तो उसको चाहिए ही ना, भूखा तो कोई भी नहीं रहेगा. हमें भी भूख लगेगी तो हम भी कुछ ना कुछ तो खाएंगे, हम बोलते हैं कुछ भी दे दो लेकिन भूख लग रही है खाना दो बोलते हैं ना, वैसा ही उसका भी हाल है. ठीक है, लेकिन अब तीसरी कंडीशन, इफ ऑल प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड, प्रोड्यूसर्स मींस प्लांट और ग्रास, ठीक है, तब क्या होगा, जब सभी के सभी प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे, तो जैसे ग्रीन प्लांट और ग्रास को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो ना डियर है कोई, ना लायन है, ना ह्यूमन है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है. फिर इसी प्लांट से, इसी घास से एनिमल भी हैं, इसी घास से हम लोग भी हैं. तो अगर ये घास खत्म हो गई, ये प्लांट्स खत्म हो गए, तो इट मीन्स कि हमारी ना हमारी लाइफ है, ना कोई डियर है, ना कोई लायन है. ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द फूड एंड एनर्जी नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, तो इसीलिए जरूरी है, खाना भी जरूरी है, एनर्जी की भी जरूरत है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म होने जरूरी है, प्रोड्यूसर होने जरूरी है. ठीक है, जैसे ग्रास प्लांट वगैरह होने जरूरी है, इसीलिए मेक श्योर कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं. अगर कहीं पे हो रहा है, कहीं पे कोई पेड़ काट रहे हैं, तो उसकी जगह और पेड़ लगाए जाएं, हमें इसका ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तो ये तो था कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या है, इफेक्ट क्या हो रहा है मैन की एक्टिविटीज का, इकोसिस्टम पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है हम देख सकते हैं. तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. तो देखते हैं कि कैसे फ्लो होता है एनर्जी, कैसे एक इकोसिस्टम से यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे जाती है, इसकी अब हम बात करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जितने भी उसने फंक्शंस करने हैं उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, बॉडी के टिश्यूज़ के रिपेयरिंग के लिए, सेल के रिपेयरिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है ना एक इकोसिस्टम में, जो एनर्जी का फ्लो है वो होता कैसे है, उसकी हम बात करते हैं. ठीक है, अब जैसे मैं कह रही हूँ कि जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, सन है. एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स तो सन ही तो है हमारे लिए, तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एंटायर एनर्जी यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सन. ठीक है, सन है. अब जो टोटल रेडिएशन है,
अब होता क्या है ना, अर्थ में सन की जितनी भी टोटल रेडिएशन आती है ना, अगर मान लो 100% रेडिएशन अगर आती है, तो सिर्फ 1% रिक्वायर, इस 100% में से सिर्फ 1% की जरूरत होती है किसको, ग्रीन प्लांट्स को। 99% उसका कोई यूज़ का नहीं है ग्रीन प्लांट का, मतलब कि ग्रीन प्लांट जिनसे हमें खाना मिलता है वो सन से आने वाली एनर्जी का सिर्फ 1% वो यूज़ करते हैं। और ये ध्यान से रखना, ध्यान से मतलब कि बहुत ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल बनता है और हर साल वो न्यूमेरिकल आता है। और इस बार वो न्यूमेरिकल आया था जैसा, जो जिन वर्ड्स के साथ मैंने कराया था ना, उन्हीं वर्ड्स के साथ क्वेश्चन आया हुआ था। आई डोंट नो कितने मार्क्स में आया था, 3 मार्क्स में या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्हीं वर्ड्स के साथ वो क्वेश्चन आया था। तो ध्यान से सुनिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी आए। तो सन से आने वाली 100% की 100% एनर्जी का 1% पार्ट ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो रेडिएशन आती है 1% ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एंड इसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या अपनी फूड वगैरह में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस एनर्जी से ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। आया ना इतना समझ में, एनर्जी कैसे फ्लो होती है इकोसिस्टम में, हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। अगर हम बात करें तो सन से 100% जो एनर्जी आती है, उस 100% एनर्जी का 1% पार्ट ग्रीन प्लांट लेते हैं और उससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, बस इतना। उसके बाद जो ये एनर्जी है, अब ये एनर्जी किस फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें कि क्या होता है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसा ही तो पढ़ते हैं हम, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी, है ना। तो अब जो ये केमिकल एनर्जी बनी, जो केमिकल एनर्जी जो मिली, वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है प्लांट में या फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और प्लांट क्या करता है, यूटिलाइज करता है, मतलब कि इस स्टोर एनर्जी का कहीं ना कहीं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत यूज करता है, जैसे कि रेस्पायरेशन में, ग्रोथ में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम पे, इन्वायरमेंट में जब अनयूज हीट एनर्जी, जो अनयूजेबल जो हीट एनर्जी है, उन सभी के फॉर्म में प्लांट इसको यूज कर लेता है, ठीक है, प्लांट इसका यूज करता है। तो अब होता क्या है ना, कि जब भी जो ग्रीन प्लांट है वो हर्बीवोर, अगर जैसे ये अब ये ग्रीन प्लांट है, इन्होंने अपना फूड वगैरह बनाया जितना इनको जरूरत थी उतना, अब इनको कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाते हैं। तो इनको जब कोई भी हर्बीवोर खाता है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जब भी इनको खाता है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, मतलब कि अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस एज सॉरी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज लॉस हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा तो ये भी नहीं ले पाते हैं, जब सन से आने वाली एनर्जी का 100% पार्ट ये नहीं लेता है, 99% पार्ट इसका वेस्ट हो जाता है, तो वैसे इसका भी तो ये नहीं ले पाएगा ना, इसमें भी वेस्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत सारी हीट इसमें क्या हो जाती है, इस प्रोसेस में वेस्ट हो जाती है। हीट क्या, एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना, तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, तो ऑन एन एवरेज 10%, अब ये पूरा अगर एवरेज लगाए ना, तो एवरेज में ये माना जाता है कि 10% फूड एनर्जी टर्न रिटर्न होती है, मतलब कि इसका अगर ये 100 है, तो 100 का 10% इसको मिलेगा, और इसका 10% अगले वाले को मिलेगा, उसका 10% अगले वाले को मिलेगा, ऐसा माना जाता है। मतलब कि ऑन एन एवरेज 10% ऑफ फूड एनर्जी इज टर्न इनटू बॉडी ऑफ हर्बीवोर, हर्बीवोर की बॉडी से 10% एनर्जी जाएगी, और इन सेम वे 10% ऑफ टोटल एनर्जी अवेलेबल टू द हर्बीवोर इज मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। फिर उसके बाद इस 10 का भी 10% जाएगा अगले लेवल के पास, उस जितना आएगा 0.1 समथिंग, उसका भी 10% अगले वाले तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ये जाता है, सिंस द अमाउंट अवेलेबल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि ये डिक्रीज होते जा रहा है, यहाँ 100 था, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 का भी 10% निकालेंगे, फिर उसका भी 10% निकालेंगे, तो डिक्रीज तो होते ही जा रही है ना, एनर्जी यहाँ पे क्या होते जाती है, डिक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज होते ही जाती है। तो इसीलिए 3, 4 या रेयरली 5 स्टेप ही ट्रॉफिक लेवल के हमारे होते हैं, यही रीजन है। अब आपसे कोई पूछेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, या कोई इंटरव्यू अगर आप देते हो, या कोई क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आ जाता है 10th में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा अगर आपसे जाएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सिर्फ 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं, ऐसा थोड़ी हम बढ़ा भी तो सकते थे या ज्यादा भी तो हो सकते थे, ऐसा क्या है कि सिर्फ 4 या 5 क्यों, उसमें आप आंसर क्या दोगे, जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते वो जो फ्लो है कम 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 होते ही जाता है, क्यों, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 100% का 100% हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हीट जो रिलीज होती है ना उनकी बॉडी में, जो हीट रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, जिस वजह से सिर्फ 10% ही जा पाता है, और ये डिक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज होते रहता है, जो कि सिर्फ 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल के लिए ही सफिशियंट होता है, उनके अलावा आप किसी को नहीं दे सकते हो,
ठीक है। तो अब ये कहा गया, उसके बाद अब इकोसिस्टम की, अब सिर्फ 3 या 4 स्टेप इसीलिए होते हैं ठीक है। अब इकोसिस्टम जनरली प्रोड्यूसर से, जो प्रोड्यूसर मैक्सिमम नंबर में हम देखते हैं, प्रोड्यूसर ज्यादा नंबर में होते हैं जब भी हम चेन की तरफ जाते हैं, और इंडिविजुअल हर एक ट्रॉपिक लेवल में वो डिक्रीज होते ही जाते हैं ठीक है। और ये भी एक रीजन है। तो इसी के बेसिस पे एक लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, 10% लॉ। टेन परसेंट लॉ क्या कहता है, एनर्जी फ्लो के ही बारे में ये बताता है। एक साइंटिस्ट थे रेमंड लिंडमैन, रेमंड लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1842 में इन्होंने ये लॉ दिया था ठीक है। ओ बेटा 18 नहीं होगा, 1942, 1942 में इन्होंने ये लॉ दिया था 10% लॉ ठीक है। अब 10% लॉ कहता है कि इट इज ऑल्सो टर्म एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक और लॉ ऑफ एंट्रोपी भी इसे कहा जाता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी के नाम से भी इसे जाना जाता है ठीक है। तो अब देखो होता क्या है ना, इन्होंने कहा, या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि बोलता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो जरूर होती है, लेकिन ना ही उसे आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसे खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो जो लॉस हो रहा होगा वो भी एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो ये लॉ बोलता है कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, जब हमने अभी ऊपर फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ा, जब भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है हायर ट्रॉफिक लेवल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10%। अब 10% किसका बेटा, इसमें अगर 100% है तो इसका 10% यहां जाएगा, इसका 100 का 10% कितना आएगा, 100 का 10% कैसे निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालेंगे ना, 10 ही तो आएगा, 10 आ गया। अब यहां पे 100 का 10% यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा 10 का 10%, यानी कि ये सिर्फ 1 यहां जाएगा, फिर 1 का 10% नेक्स्ट वाले में जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, तो 0.1 के आसपास। तो ये कुछ ऐसे जाता है कि मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल का 10% जाएगा। इन्होंने कहा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ओनली अबाउट 10% एनर्जी इज अवेलेबल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल, एंड द रिमेनिंग 90% इज लॉस्ट इन द अदर एक्टिविटीज एंड ईटिंग। तो मतलब कि अब देखो, अगर हम मान रहे हैं कि इसका 100% था, तो बाकी का 90% कहाँ गया, हीट के फॉर्म में खत्म हो गया, इन्वायरमेंट खत्म नहीं हुआ, इन्वायरमेंट में चले गया, बाकी इसने जो एक्टिविटी करी खाने के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह गया वहां एनर्जी इसकी लगी, फिर ये 10% 10 इसका बचा, तो इसने भी ऐसा ही किया, खाया, एनर्जी इसकी भी गई, हीट के फॉर्म में इवेपोरेशन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लॉस हो गया, ऐसे इसका इसका 10%, तो लगातार ये चलते गया। मतलब इन्होंने कहा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब आप जाओगे तो सिर्फ 10% एनर्जी ही आपको मिलेगी उस आपके पहले वाले ट्रॉफिक लेवल की ठीक है। तो इसे क्या कह दिया गया, क्योंकि 10% ही जाता है, तो इस बेसिस पे इसको 10% लॉ या लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा गया। तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, कभी भी 100% नहीं जाएगी, वो एवरेज ली जाती है 10% की ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए। तो अभी इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, पहले ये डायग्राम देखते हैं, सन है, तो पहले मैं क्वेश्चन आपको कराती हूं ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, बेटा ये क्वेश्चन तो कर ही लेना, इन्हीं वर्ड्स के साथ आता है क्वेश्चन, अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव ट्वेंटी थाउजेंड जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। ये सबसे ज्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन होता है, क्यों, उसने क्या बोला ठीक है। आप क्या करोगे, 10% 10% निकालोगे आंसर। क्वेश्चन आपको दिया है, प्लांट है, उसके बाद इस प्लांट को डियर ने खाया, और इसके बाद इस डियर को लायन ने खा दिया, और आपने निकालना है कि लायन का एनर्जी परसेंट निकालो। अगर हम अकॉर्डिंग टू 10% लॉ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करोगे, 20,000 का 10% निकालो, उसका 10% निकालो लायन में,
ऐसे करोगे ना, गलत, ऐसे नहीं करना है। वो क्या बोल रहा है बेटा, उस क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन। इफ प्लांट हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन, सन से उसको 20,000 मिल रही है। हमने पढ़ा कि सन सन से मिलने वाले का सिर्फ 1% प्लांट यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा 20,000 का 1%। तो 20,000 का 1% कितना होता है, 200 जूल। तो यहां से आप निकालोगे, यानी कि प्लांट्स के पास कितना आ रहा है, 200 जूल। क्योंकि अभी हमने एनर्जी फ्लो में पढ़ा था, फ्लो ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा कि सन से मिलने वाली 99% एनर्जी इसके काम की नहीं होती है, इसको सिर्फ इस 20,000 जूल में से 200 जूल की रिक्वायरमेंट है ना। तो इसको 200 जूल मिला। अब 200 जूल का 10% कितना होगा बेटा, 10% ऑफ 200 जूल कितना होता है, 20 जूल होता है ना। तो 20 जूल डेयर को मिल जाएगा। कैसे निकालोगे, आता है ना परसेंटेज निकालना, तो 200 × 10/100, ये 20 जूल। अब यहाँ लायन को कितने मिल, कितना मिलेगा फिर, अब इस 20 जूल का 10% निकालेंगे, ठीक है, 10/100, तो यानी कि 2 जूल। तो आंसर कितना होगा, 2 जूल। वैसे ये क्वेश्चन मैं ऐसे बताती नहीं, अगर आप क्लास में होते तो आप खुद ही सॉल्व करते, बट अभी ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे पास तो मुझे बताना ही पड़ा। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि ना यहाँ पे गलती आप लोग यही करते हो, ये तो सब सही है, लेकिन यहाँ पे गलती ये होती है कि हमने 1% पहले निकालना होता है, 20,000 का पहले 1%। अब इन्हीं वर्ड्स के साथ भी आ सकता है, अदर वर्ड्स के साथ भी आ सकता है। तो अगर वो पूछ रहा है अवेलेबल फ्रॉम सन, अगर वो बोल रहा है, तो तब आपको 20,000 या जितना भी आपको दे रखा है उसका 1% निकालना होगा। लेकिन अगर वो सीधे सीधे बोल रहा है कि हर्बीवर लेवल में 20,000 है, तो फिर आपको नॉर्मली निकालना है। लेकिन अगर सन वर्ड वहाँ पे वो है ना बेटा, तो आपने करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले लेवल के लिए, इस लेवल के लिए 10% लॉ फॉलो नहीं होता है, इसके लिए 1% फॉलो होगा, ठीक है। बाकियों के लिए फिर 10% 10% ही फॉलो होगा, ओके। तो ये था हमारा क्या, 10% लॉ, जो कि प्रोड्यूसर लेवल में, जैसे फिर अब बाकी का कहां जाता है, ये लॉस कहाँ हो जाता है, 20 ही रह जाता है, 20 जूल ही रह जाता है। तो ये कहां जाता है, रेस्पायरेशन में, ईटिंग में, बहुत सारी चीजों में ये चले जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 10% लॉ, ठीक है। तो 10% लॉ के बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, वो टॉपिक है हमारा बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग और सॉलिड वेस्ट एंड डिस्पोजल वगैरह हम यहाँ पढ़ेंगे। शायद हमारे सिर्फ एक या दो लेक्चर अब इसमें होगा, इससे ज़्यादा लेक्चर तो होंगे नहीं। तो चलिए बायो मैग्निफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन, देखिए अब देखो बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा क्रॉप लैंड में केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं ना। तो जैसे कि DDT है एग्रीकल्चर में, हम DDT का यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ ताकि क्यों कर रहे हैं इन केमिकल्स का यूज़, ताकि हायर यील्ड हो, यील्ड अच्छी हो, बस। और कुछ ऐसा कोई है नहीं कि ये ह्यूमन का, बस ये है कि हमें हाई यील्ड चाहिए, अच्छा यील्ड चाहिए, अच्छे अमाउंट पे हमें प्रोडक्ट चाहिए, खाने के लिए हमें चाहिए, सब तक पहुँचे, ऐसा कुछ चाहिए फार्मर्स को। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हार्मफुल केमिकल होते हैं, जो कि हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। फूड चेन में एंटर कैसे करते हैं, हमने डाला सॉइल में, उसी सॉइल में प्लांट लगा, तो जाएगा या नहीं जाएगा इसका, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, एनर्जी इसकी तो भी तो जाएगी, इसकी इस सॉइल से जो प्लांट उग रहा है उसमें हाई यील्ड कैसे हो रही है, हाई यील्ड कैसे हो रही है, वो केमिकल जब इसके अंदर जा रहा है तभी तो यील्ड दे रहा है वो, इसका मतलब वो केमिकल घुस गया। उस केमिकल को जो ग्रेन्स थे उसके तो हमने खाए, जो स्टैम थी वो एनिमल्स ने खाई, एनिमल में भी गया, हम लोगों में भी गया, ह्यूमन में भी गया। अब वो केमिकल जो थे ही नहीं हमारे खाने लायक, वो हमारे खाने में एंटर कर गए। हाई पॉइजन तो नहीं, एक स्लो पॉइजन की तरह वो काम करता है, और अल्टीमेटली हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, पुराने ज़माने में लोग बीमार नहीं पड़ते थे ज़्यादा, लेकिन अभी भले आप घर का खाना खा रहे हैं, साफ खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में हो जाती है। तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक्सेसिव यूज़ हो रहा है केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का हमारे खाने में, मतलब कि बेमौसमी सब्जियाँ हम खा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होती है,
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कि फूड चेन के थ्रू सॉइल में एंटर कर रहा है, उसके बाद ये केमिकल क्या हो जा रहे हैं, प्लांट और एनिमल प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर और मिनरल्स के थ्रू, और इसी तरीके से ये फूड चेन में भी एंटर कर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो केमिकल हैं ये खत्म नहीं होते हैं और हर एक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये एंटर करते ही रहते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन तक भी ये पहुँच जाते हैं, हमारी बॉडी में भी ये पहुँच जाते हैं। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ का मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कोई भी चीज़ जब अपने मैक्सिमम अपने पीक में पहुंच जाती है तो उसे बोल दिया जाता है बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे या कैसे डिफाइन करेंगे, द फिनोमिना दैट इन्वॉल्व प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एज ई ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। यानी कि किसी भी फूड चेन में जब हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल्स होते हैं वो लगातार बढ़ते ही रहते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में लगातार जब बढ़ते ही रहते हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। यानी कि द फिनोमिना दैट इन्वॉल्व प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। इसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बाकी ये पेस्टिसाइड वगैरह तो हमने 9th में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था बेटा, फिलहाल आपने बायो मैग्निफिकेशन ही जानना है। बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हार्मफुल केमिकल जो होते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे केमिकल ट्रॉफिक लेवल के थ्रू फूड चेन के थ्रू वो हमारी बॉडी तक एंटर कर जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये तो था बायो मैग्निफिकेशन। उसके बाद ग्रीन हाउस तो आपने सुना है, 9th में भी पढ़ा है ना ग्रीन हाउस, मैंने आपको पढ़ाया था ग्रीन हाउस, आई नो आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए थोड़ा सा ग्रीन हाउस के बारे में भी जान लें, वैसे तो याद होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। इस चैप्टर में तो आपने बहुत मेहनत करी थी, हर एक बच्चे ने 9th में मेहनत करी थी, क्योंकि इसमें क्या थी, कार्बन साइकिल थी, नाइट्रोजन साइकिल थी, ऑक्सीजन साइकिल थी, सबने लर्न करी थी ना। आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने लर्न करी थी ये साइकिल्स 9th में आप लोगों ने, तो ग्रीन हाउस भी उसमें एक पार्ट था, तो आपने वो भी पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए जानते हैं ग्रीन हाउस क्या होती है। जैसे ना अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, एक बिल्डिंग होती है, किस चीज़ के लिए होती है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि एक ग्लास की बनी हुई एक बिल्डिंग है, कांच की बनी हुई एक बिल्डिंग है जिसमें कि अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास फॉर ग्रोइंग एंड सेल्टरिंग द डेलिकेट और एक्जोटिक स्पीसीज, मतलब कि प्लांट की जो एक्जोटिक स्पीसीज होती है, जो बाहर से लाई हुई एक स्पीसीज होती है, उनको ग्रो करवाने के लिए एक घर बनाया जाता है, कांच का एक घर बनाया जाता है जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब ये इसका काम क्या होता है ना, यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, द एयर इन द ग्रीन हाउस इज वार्मर देन द आउटसाइड, ये बाहर का एनवायरनमेंट है, यहाँ होती है कूल एयर, यहाँ वार्म एयर होती है, अंदर वार्म एयर होती है, मतलब ग्रीन हाउस के अंदर होती है, ग्रीन हाउस इसे कहा जाता है, घर ही तो हुआ उसमें, तो ग्रीन हाउस के अंदर जो एयर होती है वो गर्म होती है और बाहर जो होती है वो ठंडी होती है, इससे गर्म होती है, ठीक है। तो जो अकरेंस है हाई टेम्परेचर इनसाइड, जो अंदर बाहर के कंपेयर में अंदर जो हाई टेम्परेचर है ना, ज़्यादा जो टेम्परेचर है हाउस का, वो क्या करता है, मतलब कि बहुत कम सोलर रेडिएशन को, मतलब कि द अकरेंस ऑफ हायर टेम्परेचर इनसाइड देन आउटसाइड द ग्रीन हाउस इवन दो इट रिसीव लेसर सोलर रेडिएशन, कम सोलर रेडिएशन को ये रिसीव करने लगता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। चलिए इसको और डिटेल में हम जानते हैं कि हाउ इज अर्थ कैप्ट वार्म, अर्थ गर्म कैसे हो रही है या कैसे रहती है। अब देखो ऐसा नहीं कि आपने हमेशा पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेज हार्मफुल होती है, ये होती है, हमेशा हार्मफुल नहीं होती है, ग्रीन हाउस गैसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ग्रीन हाउस जरूरी है इसलिए ताकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। देखिए बेटा हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर माना जाता है वो 15 डिग्री सेल्सियस अभी माना जाता है कि इतना है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती ना ये -15 पहुंच जाता, तो क्या हम सर्वाइव कर पाते, पूरा पूरा का पूरा अर्थ -15 डिग्री पे होता, पूरा का पूरा प्लेनेट -15 डिग्री पे होता, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस की जरूरत तो है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारा इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है ना, जिस रैपिड रेट से चेंज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है, और जब 18 से 20 के आसपास पहुंच जाएगा तो हम रहने लायक नहीं रह जाएंगे अर्थ में, हमें इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि सबकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए अब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़नी नहीं थी ना, प्रॉब्लम तो तब हुई जब इनका कंजप्शन बढ़ गया, जब हमने ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जो ग्रीन हाउस गैसेस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ इंक्रीज़ और इंक्रीज़ ही करते गए और अर्थ का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करवा दिया, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए पहले जानते हैं, जो हमारा अर्थ है वो हमारे एटमोसफेयर में को वार्म करता है, ठीक है, वार्म टेम्परेचर है। अब जो अर्थ का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री के आसपास हम मानते हैं एटमोसफेयरिक टेम्परेचर, तो अभी
एक जो ग्लास वॉल है, ग्रीन हाउस, ये इसको मेंटेन करके रखता है. जैसे जो क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल है, गैसेस है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये क्या करता है, जितनी भी लार्ज क्वांटिटी में सोलर रेडिएशंस जो आती है ना अर्थ में, जो सोलर रेडिएशंस जो आती है, ये उनको फिल्टर करता है. मतलब सन से जो सोलर रेडिएशंस आती है वो सभी की सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती है. तो ये क्या करता है, फिल्टर करता है, इन सारी चीज़ों को फिल्टर करके हमारे अर्थ में आता है. अब सिर्फ 48% सोलर रेडिएशन जो होती है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है, और उनमें से सिर्फ 1% ऐसी होती है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, मतलब सन का 48% हमें मिलता है, उस 48% आता है हमारे लिए, उस 48% में से प्लांट को 1% चाहिए, हमने अभी पढ़ा है. ठीक है, सिर्फ 1% की जरूरत होती है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, है ना. तो मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग रेडिएशन इज यूज्ड अप इन वार्मिंग द सरफेस ऑफ अर्थ. उसमें से जो 47% है, इसमें से बहुत ज्यादा पार्ट ऐसा है जो कि अर्थ को गर्म करने के लिए यूज हो जाता है. ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज होता है. अब जो ये सोलर रेडिएशन है जो अर्थ इसे एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जितना चाहिए ठीक है, जितना नहीं चाहिए उसको वापस भेज दिया जाता है, इमिटेड बैक एज इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उसे बाहर फेंक दिया जाता है, और ये ट्रैप कर दी जाती है ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू. ग्रीन हाउस गैसेस इसे ट्रैप कर लेती है सारे डायरेक्शन से, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस फ्लक्स इसे कह दिया जाता है. और इट इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस फ्लक्स दैट मेन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस. तो इसी वजह से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए. तो अब उसके बाद आता है दिस ग्रीन हाउस फ्लक्स भी नॉट देयर द एवरेज टेम्परेचर. अगर ये टेम्परेचर यहाँ नहीं होता, अगर ग्रीन हाउस फ्लक्स नहीं होते, ग्रीन हाउस चीजें वाली चीजें यहाँ पे नहीं होती, नेचुरली नहीं होती, तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर होता वो -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता. -20 में 15 कहती, -20 डिग्री के आसपास ही होता है. तो यहाँ पे को ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सेम एज द मून, मून के एटमोसफेयर जैसा. क्या मून में लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होती फिर अर्थ में, अगर ऐसा होता तो. इसलिए ग्रीन हाउस होना जरूरी है. ठीक है, लेकिन 10 एटमोसफेयर अराउंड द अर्थ एक्ट एज अ ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, हीट को ट्रैप करता है, लाइफ पॉसिबल करवाता है ना. तो इसे तो हमने बोल दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट. लेकिन फिर आती है ग्रीन हाउस गैसेस. ये तो हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव वे में पढ़ा ना. तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, द गैसेस इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जो कि अब इस ग्रीन हाउस को क्या कर रही है, वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है. जिसकी जरूरत नहीं थी वो अब हो रहा है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, नन ऑफ अदर. हम ही लोग तो करते हैं सब कुछ तो, है ना. तो रिस्पॉन्सिबल है इसमें अर्थ के टेम्परेचर को और ज़्यादा गर्म गर्म और गर्म करने के लिए, वो है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर, ऑल्सो वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर. अब देखो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है. ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा. आप वहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह, और एक वाटर वेपर भी होगा. ग्रीन हाउस गैस इज, आप कुछ और लिखोगे लेकिन आंसर होगा वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर तो हमें लगेगा पानी है, पानी क्या लॉस पहुंचाएगा, पानी लॉस पहुंचाता है. वाटर वेपर भी क्या करता है, और इंक्रीजमेंट का काम करता है. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है. तो ये भी क्या करता है, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जा रहा है बेटा, 9th में पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग. इसी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग यही तो है, वार्मिंग मीन्स गर्म हो जाना. कैसे हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एक्सेसिव यूज. हम बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ मिलती है CFC, CFC हमें एयर कंडीशनर में, फ्रिज में, इन सारी चीज़ों में तो निकल रही है ना, और इसका यूज़ तो कितना ज़्यादा सभी लोग करते हैं हमें पता है. तो जो फिनोमिना है राइजिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है. उसका कंसंट्रेशन जब लगातार बढ़ते ही जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन जब लगातार बढ़ते ही जाता है तो उस कंडीशन में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और हमने पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए. अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ते रही तो सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा तो उसके आसपास जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जो नीचे नीचे हैं वो सब सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी. साथ ही साथ डिजीजेज, स्किन रिलेटेड डिजीज वगैरह होते रहती हैं, क्योंकि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो वापस नहीं जा पाएंगी. ओजोन लेयर डिप्लेशन इसकी वजह से हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे को
क्रिएट हो रही हैं। तो हमारी एक्टिविटीज़, हमें तो पता ही है हमारी एक्टिविटीज़ कितना हार्म पहुंचा रही हैं, हम कितना हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को इन सारी चीज़ों की वजह से। तो बेटा आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक हमारा लास्ट लेक्चर होगा 10th क्लास बायोलॉजी का, क्योंकि इसके बाद का चैप्टर आपका CBSE ने एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर प्रोबेबली ये, हाँ लास्ट लेक्चर ही हमारा रहेगा, आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवाइज़ कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिए। ओके, हैव ए नाइस डे।